नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं एक दैनिक जीवन में आने वाली समस्या के बारे में। और ये समस्या है, कभी भी हमारे विचार नहीं मिलते हैं किसी व्यक्ति के साथ, और जब विचार नहीं मिलते तो कई बार स्थिति हाथापाई पर आ जाती है। तो अन्य व्यक्ति हाथापाई करने की कोशिश करता है या जान से मारने की धमकी देता है या किसी प्रकार से वो गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। हम देखते हैं आज का जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। व्यक्ति छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने पे आमादा होते हैं। अनेक ऐसे लोग होते हैं जो वाद विवाद करते हैं, बेकारण बिना कारण के भी किसी व्यक्ति के साथ उलझते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, कानूनी उपाय क्या है, क्या ऐसी बातों को सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर सहन नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो वर्तमान में देखा जा रहा है धीरे धीरे लोगों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है। अब लोग सहनशील नहीं रहे हैं, पहले लोग विवादों को टालते थे लेकिन आज कई लोग विवाद करने में आमादा होते हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है बिना कारण, या लड़ाई झगड़ा करते समय गाली गलौज कर रहा है, गाली गलौज के साथ साथ धमकियां दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कानून में इसके लिए उपाय बताए गए हैं। और पहली बात तो इस प्रकार की, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ घटना दुर्घटना करता है या इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, तो कभी भी उसको सहन नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका प्रतिकार होना चाहिए। यदि आप आज प्रतिकार नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वह किसी अन्य व्यक्ति को भी इसी प्रकार से कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहकर अपने कर्तव्य और अधिकारों और दायित्वों के अंतर रहने के लिए जरूरी है कि कभी किसी के ऊपर अन्याय ना करें और अन्याय सहे भी नहीं। अगर आप अन्याय सहते हैं तो ये चीज़ दूसरे के लिए भी भारी पड़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आइए आज हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आपके सामने लिखा है कि आजकल के दैनिक जीवन में विवाद होना एक सामान्य बात हो गई है, यानी विवाद होना बहुत ही कॉमन हो गया है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी बातों पर विवाद होने लग जाते हैं, और विवाद किसी भी प्रकार का हो सकता है। मकान मालिक किराएदार का विवाद हो सकता है, आप गाड़ी चला रहे हैं किसी व्यक्ति से गाड़ी टकरा गई उससे विवाद हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति आपकी गाड़ी को टक्कर मार देता है उससे विवाद हो सकता है, सहपाठी के साथ विवाद हो सकता है, मित्र के साथ विवाद हो सकता है, किसी पड़ोसी के साथ विवाद होता है। तो आजकल विवाद होना एक आम बात हो गई है। और विवाद में कई बार स्थिति आती है कि व्यक्ति हाथापाई करने लग जाता है, बल का प्रयोग करने लग जाता है, गाली गलौज करने लगता है, जान से मारने की धमकी देने लगता है। तो ये सारी बातें अपराध होती है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत ये सब पनिशेबल है, बशर्ते उसकी रिपोर्ट की जाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता में ये सबको अपराध माना जाता है, और ये सारी बातें दंडनीय है, सब में दंड बताया गया है। तो सबसे पहले घटनास्थल, आपका जो भी घटनास्थल है जहां पर ये घटना हुई है, यानी जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, उस घटनास्थल का कोई ना कोई एक थाना होता है। जैसे आप जिस भी घटना पर यह अपराध हुआ है उसका जो भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में आपको जाना चाहिए और उसकी क्या करना चाहिए, घटना की मौखिक रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। यदि पुलिस मौखिक रूप से रिपोर्ट करने पर FIR दर्ज करती है और FIR की कॉपी देती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो जाता है। कई बार पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में लिखित में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको लिखित में एक कॉपी थाने पर और दूसरी कॉपी पर उसकी पावती यानी रिसीव की सिग्नेचर देनी चाहिए। ये सब चीजें IPC की धारा 294 मतलब गाली गलौज करना, 506 मतलब जान से मारने की धमकी देना, 323 मतलब हाथापाई करना, इसके अंतर्गत दंडनीय होती है। हालांकि यह सारा अपराध जो है, ये सारा अपराध जमानतीय है, जमानती मतलब गंभीर किस्म का अपराध भले ही नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति को परेशानी होती है, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया उसे परेशानी होती है। हालांकि इसमें थाने से ही जमानत हो जाती है, जमानत उसके बाद न्यायालय में करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि थाने से जमानत हो गई तो व्यक्ति बरी हो गया, बरी नहीं हुआ है। उसके खिलाफ अनुसंधान होने के बाद उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और न्यायालय में भी बेल करवानी पड़ेगी, न्यायालय में भी जमानत करानी पड़ेगी, और उसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रारंभ हो जाती है। अब हर तारीख पर आरोपी को कोर्ट में जाना रहेगा, यानी केस 2-3 साल जितने भी साल चला जितनी भी तारीखें लगेगी उसमें आरोपी को जाना पड़ता है। इस प्रकार आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है, आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी आपराधिक पृष्ठभूमि का एक रिकॉर्ड बनता है, और उसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन और अन्य नौकरी के वेरिफिकेशन में, चरित्र प्रमाण पत्र में, हर जगह आरोपी को दिक्कत आती है, अपराधी को दिक्कत आती है। और सुनवाई के पश्चात यदि साबित हो गया, यानी उन्होंने जो अपराध किया था अगर वो साबित हो गया तो उसे क्या हो जाएगा,
दंड भी हो जाएगा, हालांकि इन धाराओं में दंड कम है, 3 महीने का दंड है एक धारा में, एक धारा में 1 साल का दंड है, मारपीट के अंदर 1 साल का दंड है, तो इस प्रकार से उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो ये है मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।